गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस स्वागत है आपको हमारे चैनल बंग स्ट्रीट में। मैं हूं बेसानी। डिस्कस करेंगे IASbaba के डेली करंट अफेयर्स 16 अगस्त 2018 के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे वो है नरेंद्र मोदी का, जो अभी रिसेंटली हमारा इंडिपेंडेंस डे हुआ था, तो उसी में नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक स्पीच दिए थे, तो वो उसका थोड़ा हम लोग का हाईलाइट जानना ज़रूरी है कि क्या हुआ था स्पीच में। बेसिकली पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो स्पीच को सुनिए, यूट्यूब में अवेलेबल है, वो स्पीच आपको मिल जाएगा आराम से। इसके अलावा अगर मैं आपको खुद का सजेशन दूँ तो उसको उतना ज़्यादा डीपली तक जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी हाईलाइट्स है वो डिस्कस करेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे न्यूज़ में ये है कि 72nd एनिवर्सरी, ध्यान रखिएगा 72nd एनिवर्सरी हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस का। और यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स है पीएम जो इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो बिल है एक ओबीसी कमीशन बनाने का, जैसे एक एसटीएससी कमीशन होता है उस तरह से ओबीसी कमीशन बनाने का जो बिल है उसको पास कर दिया गया, तो वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा 100वां एनिवर्सरी हुआ है जलियांवाला बाग मैसेकर का, तो ये यहाँ पे नोटिफाई किया गया वापस से। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे इंडिया का जो स्पेस मिशन है, मतलब 2022 तक बोला जा रहा है कि हम लोग एक भारत का तिरंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अपना जो तिरंगा है वो हम लोग स्पेस में फहरा देंगे, तो उसके बारे में भारत नरेंद्र मोदी जी ने हमारा यहाँ पर बात की है। इसके अलावा सुब्रमण्य भारती विजन, ठीक है, भारत का जो ये विजन है, यहाँ पे क्या होता है सुब्रमण्य भारती जो है वो एक बहुत बड़े ग्रेट तमिल पोएट हैं यहाँ पे, और ये बोले थे मतलब भारत के बारे में उनका ये विचार था कि भारत एक ग्रेट नेशन की तरह बढ़ के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोले कि ये सिर्फ बढ़ के ही नहीं आएगा, ये दूसरों को इंस्पायर भी करेगा, दूसरे नेशंस को इंस्पायर करेगा कि वो लोग आगे उठ के आए, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे काम जो है खुद में कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अब इंडिया दुनिया को ये दिखाने वाला है कि हम लोग किस तरह से जो पुराना जितना भी होता है ना, एक तरह से चेंज जो बना रहता है, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए रहते हैं, उसको किस तरह से तोड़ के हम लोग सामने आ सकते हैं। यहाँ पे जो इसके बाद बात किया गया वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के बारे में। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, इसको 25 सितंबर 2018 में लॉन्च किया जाएगा। ये अभी आया नहीं है, तो ऑफकोर्स ये जब आएगा तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स इसका आर्टिकल्स आएगा, हम लोग उसको अंदर तक डिस्कस करेंगे, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो उसके बारे में डिस्कस किए हैं अभी। इसके अलावा भारत का जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें एक 20 से 50 तक अप्रोच जो है उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग फार्मर का जो इनकम है उसको डबल करेंगे 2022 तक, तो वो एक यहाँ पे थॉट है। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ जो ट्रिपल तलाक है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। वुमेन जो कुछ छोटे समय के लिए कमीशन की जाती है कि वो लोग को छोटे समय के लिए एक पोस्ट दिया जाता है कहीं भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में, बेसिकली पब्लिक सेक्टर में वुमेन को क्या किया जाता है, छोटे छोटे समय के लिए काम दिया जाता है, तो उसको लंबे समय तक फिर यू बोलो कि उसको परमानेंट करने का जो काम है तो वो यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई, जैसे कि 13 करोड़ मुद्रा जो लोन्स हैं वो यहाँ पर उठ के आई हैं, लोगों ने ली है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, ध्यान रखिएगा उज्ज्वला योजना अलग है, ठीक है, यहाँ पे एक W का अंतर है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सौभाग्य योजना, ठीक है, GST स्वच्छ भारत मिशन, तो ये सब कुछ ऐसे बातें हैं जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे बात की है। अब सेकंड यहाँ पे बात करेंगे केरला जो है वो अपना जो फ्लडिंग का जो सिचुएशन है, अभी आप लोगों को पता होगा केरला में कितना फ्लड चल रहा है, मैंने खुद कुछ डोनेट किया है, पेटीएम से आप डोनेट कर सकते हो, सिंपलेस्ट मेथड है। इसके अलावा एक साइट है, वैसे तो मुझे परफेक्टली याद नहीं, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड एक साइट है, वहाँ पर भी जाकर के आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि केरला जो है अभी तक अपना जो फ्लडिंग का जो उसका इतिहास रहा है वहाँ पे सबसे ख़राब फ्लडिंग का सिचुएशन है वो अभी यहाँ पे है। अब देखेंगे क्या है, तो 2018 का जो केरला फ्लड्स है ये क्यों देखने को मिला, क्योंकि साउथ वेस्ट जो मानसून रेंज है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उठ के आई हैं, इस साल बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इदुकी डैम जो कि केरला में पड़ता है वो वहाँ का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, ठीक है, ऊंचाई में सबसे हाईएस्ट आर्कटिक डैम है, जो उसका क्या हुआ कि उसका पांचों गेट को एक साथ खोला गया, इतिहास में पहली बार हुआ है। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो रिजर्वायर्स है पानी रोकने के लिए जो रिजर्वायर बनाया जाता है जिसको कि हम लोग डैम कह के पुकारते हैं, जो डैम्स है उसमें 39 डैम्स में से 35 का जो गेट था उसको ओपन कर दिया गया नॉर्मली, तो ये सिचुएशन अभी केरला में। और कंसर्न ये है कि अभी दिक्कत ये है कि वहाँ पे एक फ्लड का जो वाटर वार्निंग सिस्टम होता है कि पानी इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, तो केरला में वो सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अवेयरनेस का काफ़ी कमी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोसीजर जो है वो सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा, तो ये काफ़ी एक मेजर कंसर्न वहाँ पे उठ के आता है। यहाँ पे लोकल अथॉरिटी को पहले ही इंस्पेक्ट करना चाहिए था, जैसे हम लोग का जो नॉर्मली कोई भी आप फॉरन कंट्री को देखिएगा तो वहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ जो होती है वो पहले ही एक रेड नोटिस जारी कर देती है कि हाँ यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ख़राब होने वाली है, लेकिन इस तरह कुछ काम हुआ नहीं। तो हाँ, अगर हम लोग ऐसा कुछ करते तो शायद यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता था, जो हिली और लैंडस्लाइड जो प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ से लोगों को निकाल लिया जाता तो वहाँ पर
जो मौतें हैं वो कम होती हैं यहाँ पे। अब फ्लड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो फ्लड बेसिकली ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो बस हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा जगह जहाँ की बहुत कुछ वेरियस फैक्टर जैसे कि हैवी रेन्स, हाई विंड, साइक्लोन, स्टॉर्म सर्ज अलॉन्ग कोस्ट, सुनामी, मेल्टिंग स्नो, डैम बर्स्ट, ये सब की वजह से पानी का जो बहाव बहुत ज़्यादा हो जाए उसको फ्लड कहते हैं। अब कुछ प्रकार के फ्लड होते हैं जैसे कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड, रिवर फ्लड और कोस्टल फ्लड के बारे में बात की गई है, तो लोग एक एक करके जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे फ्लैश फ्लड क्या होता है। तो ये ऐसा होता है जो 6 घंटा जैसे बारिश चालू हुआ उसके 6 घंटे के अंदर जहाँ पे बाढ़ आ जाती है वो होता है फ्लैश फ्लड। ठीक है, यहाँ बेसिकली ये कब देखा जाता है? जब क्लाउड बर्स्ट होता है, मतलब ऑफकोर्स जिसको हम लोग बादल फटना कहते हैं हिंदी में, तो क्लाउड बस्ट होता है। इसके अलावा स्टॉर्म, साइक्लोन, तो ये सब जो सिचुएशन होता है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ये होता है कि हम लोग को इमीडिएट रिस्पांस और बहुत ज़्यादा वार्निंग, रैपिड वार्निंग कि हाँ यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब होने वाली है, इमीडिएट रिस्पांस यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग को काम मतलब सॉरी डैमेज जो उसको कम करना है तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फ्लैश फ्लड का सिचुएशन में एक दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो इवैक्यूएशन का जो काम है वो तुरंत नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए 6 घंटा के अंदर जो है काफ़ी कंडीशंस ख़राब हो जाती है। लाखों लाख एक जगह में लोग रहते हैं, करोड़ों करोड़ों बोल सकते हैं कि मतलब बड़े बड़े सिटीज़ अगर हम लोग कंसिडर करें मुंबई टाइप का, तो वहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, वहाँ से लोगों को निकालना, इवैक्यूएट करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रिवर फ्लड के बारे में। तो ऐसा तब होता है जब एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया में फ्लड गिरता है। ठीक है, कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया होता है वो एरिया जहाँ की मतलब पानी पकड़ा जाए। ठीक है, बेसिकली पानी क्या होता है? अगर आप अपने घर के सामने में पानी गिराओगे एक बूंद तो वो ज़मीन के अंदर चल जाएगा। ठीक है, फिर एक बाल्टी पानी गिराओ तो वो ज़मीन के अंदर चल जाएगा, या फिर कितना भी अमाउंट गिराओ तो वो ज़मीन के अंदर चल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल एक बेसिस होता है कि हाँ ग्राउंड वाटर जो फिल हो रहा है। लेकिन बहुत जोन से ऐसा होता है बेसिकली जो एक जो रिवर बेड होता है, ठीक है, तो रिवर बेड काफ़ी बड़ा होता है, हम लोग बाद में उसमें घर बना देते हैं, तो रिवर बेड काफ़ी एक बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया रहता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो उसका जो कैचमेंट एरिया होता है वो बेसिकली वो पूरा पानी क्या करता है, रिवर तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन को पूरा जो इस एरिया जो होता है उसको हम लोग कैचमेंट एरिया कहते हैं। अब यहाँ पे उस कैचमेंट उसका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन जो हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो है जो रिवर फ्लड है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अगर हम लोग देखें फ्लैश फ्लड के अगेंस्ट, तो फ्लैश फ्लड क्या होता है कि जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जो रिवर फ्लड है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और ये बोला जा रहा है कि ये सीजनली आ सकता है या फिर ओकेजनली हो सकता है कि हाँ भाई अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उस वजह से हो सकता है। और कोस्टल फ्लड के बारे में अगर हम देखें तो ये साइक्लोनिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, साइक्लोन का अगर प्रभाव हम लोग देखते हैं कि पानी में साइक्लोन का प्रभाव है तो उसकी वजह से यहाँ पे होता है कि जो कोस्टल फ्लड है वो आता है। अब यहाँ पे हरिकेन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इस जो हरिकेन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए नाम सेम है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम जो ये नाम है ना हरिकेन और साइक्लोन, ये दोनों सेम ही चीज़ को डिनोट करता है। और ये पूरे जो वर्ल्ड है उसमें 7 नामों से जाना जाता है, जैसे टाइफून हो गया और भी कई नाम है, इसके भी लोग हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, तो उस तरह का सिचुएशन होता है। यहाँ पे नाम उतना आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मतलब ये काफ़ी ऐसा होता है कि ये जो फ्लडिंग है ये काफ़ी और ख़राब इसका सिचुएशन कब हो जाता है, जब विंड इंड्यूस्ड स्टॉर्म यहाँ पे होता है कि काफ़ी तेज़ हवा से क्या होता है पानी का एक और लेयर बन जाता है जो पानी के ऊपर पानी चढ़ते जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशन और ख़राब हो सकता है कोस्ट में। और यहाँ पे कॉजेज ऑफ फ्लड क्या बोला गया, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक रिवर कैचमेंट का जो हम लोग का एरियाज़ है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ गया और यहाँ पे हम लोग वहाँ पे आराम से घर वर बना के रहने लग जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि घर वर जो है वो तुरंत पानी में डूबने का उसमें डर रहता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर वाटर ट्रिब्यूटरीज़ का जो मूवमेंट है, देखिए होता क्या है कि ट्रिब्यूटरीज़ क्या करती है, वाटर को पुश करती है कि वो लोग जो मेन लैंड है उससे बाहर निकल जाए, लेकिन अगर ऐसा हो कि बाहर का जो जोन है वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ जाए तो वापस क्या होगा, ट्रिब्यूटरी वाटर खींच लेगी। ऐसे में क्या होगा कि ट्रिब्यूटरी के आसपास जितने भी घर होंगे जो कि ज़्यादा प्रोन नहीं होते हैं, मतलब बेसिकली उन लोग वो घर लोग को ऐसा नहीं बताया जाता कि हाँ यहाँ रिवर है तो आप लोग यहाँ पे बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वहाँ भी क्या होता है कि फ्लड का सिचुएशन है वो आ जाती है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फ्लड पीक जो है उसका सिंक्रनाइज हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसा मोस्टली होता है कि ट्रिब्यूटरीज और जो रिवर्स है उसमें क्या होता है, जब फ्लड का जो देखिए ऐसा होता है ना कि देखिए एक जोन में अगर फ्लड आया या फिर एक जोन में पानी अगर हाई होता है तो वो क्या होता है कि दूसरा जोन में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो एक नॉर्मल सिचुएशन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ट्रिब्यूटरी और मेन रिवर जो दोनों का अगर फ्लड जोन जो है वो सेम अमाउंट में रहे तो ये काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर लैंडस्लाइड होता है और वो जो अगर लैंडस्लाइड का जो मिट्टी है वो अगर नॉर्मल प्लेन लैंड में मतलब जो रिवर का जो कोर्स है उसमें अगर आ जाएगा तो वो काफ़ी मतलब जो पानी है उसको डिविएट कर सकता है और इसकी वजह से क्या होगा कि फ्लड का अमाउंट बढ़ सकता है। इसके अलावा पुअर नेचुरल ड्रेनेज, साइक्लोन और वेरी इंटेंस रेनफॉल विन द फ्लोइंग रिवर इज फुल, ये सब तो नॉर्मल से कुछ बातें हैं। इसके अलावा ग्लेशियर ज़्यादा गल जाने से और क्लाइमेट चेंज जो है
वो भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। अब आगे क्या क्या किया जा सकता है, तो स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या है जो कि हम लोग फ्लड को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले तो डैम्स और रिजर्वॉयर्स बनाना, जो कि अभी इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी बारिश हुई है, तो डैम्स और रिजर्वॉयर्स को नहीं चल सकता। इसके अलावा एम्बैंकमेंट्स एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है कि हम लोग एम्बैंकमेंट्स तैयार कर सकते हैं ताकि वो जो घर जो एकदम कॉर्नर में हो वो लैंडस्लाइड की वजह से पानी में ना आ जाए, वो एक बहुत अच्छा तरीका है एम्बैंकमेंट्स बनाने का। इसके अलावा ड्रेनेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बारिश में ये भी इनफेक्टिव हो जाता है। चैनल इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग, फ्लड वाटर को हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स ऐसा बनाया जा सकता है कि हम लोग वाटर, जैसे देखिएगा आप लोगों को पता होगा कि रिवर्स को लिंक करने का बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है भारत में, बहुत सारे रिवर लिंकिंग है, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर ही है। तो वो जो रिवर लिंकिंग जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट हो जाता है अगर हम लोग रिवर लिंक करके रखते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि अगर कोई रिवर में पानी बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लोग यहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल डिटेंशन बेसिन है, मतलब जो ऐसा एरिया जहाँ की पानी जाने के बाद वो तुरंत वहाँ से पानी सोख लिया जाए, तो उस तरह का बेसिन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली जो फ्लड है उसको बचाने में। अब यहाँ पे कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, तो देखिए ये सब स्ट्रक्चरल मेजर्स है जो कि हम लोग बना सकते हैं, बनावट करके सब बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेजर्स हैं जिसको कि बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोग पहला क्या है कि फ्लड प्लेन जोनिंग, तो यहाँ पे हम लोग जोन कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि फ्लड प्लेन के अंदर पड़ते हैं, मतलब वहाँ पे जो बाढ़ है उसका खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उसमें क्या होगा कि मतलब आदमी को पता रहे कि हाँ ये जो सिचुएशन है यहाँ पे लोग हम डेवलप करते हैं तो यहाँ पे वो जो चीज़ है वो रिस्की हो सकता है। इसके अलावा फ्लड फोरकास्टिंग तरीका है कि हम लोग पहले से ही फोरकास्ट कर सकें, काफ़ी हाइड्रोलॉजिकल मीटरोलॉजिकल डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग मतलब फ्लड आने वाला है या फिर उसका पैटर्न क्या होने वाला है और उसमें कितना वाटर जो है इमिट होगा, तो उस तरह से लोग जो है वो खुद की तैयारी मतलब यहाँ पे कर सकेंगे। इसके अलावा फ्लड प्रूफिंग यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करके, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें लड़ सकते हैं कैसे, कि एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है हर जोन में। अगर वो जोन फ्लड प्रोन है तो वहाँ पे एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म रहेगा, वहाँ पे लोग और कैटल रहने का वहाँ पे मतलब एक सोर्स रहेगा कि वहाँ पे लोग और कैटल जाके रह सके, तो वो एक बेटर यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ हम लोग डिजास्टर रिलीफ, फ्लड फाइटिंग, फ्लड इंश्योरेंस ये सब करवा करके और जो हमारा जो लॉस है वो हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मेन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज और फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे पहले बोला जा रहा है कि हम लोग जो मैपिंग करते हैं फ्लड प्रोन एरियाज़ का, तो वो सबसे प्राइमरी स्टेप है, उसको हम लोग करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होना चाहिए कोई भी जोन का, अगर वहाँ पे फ्लड आया है पहले इतिहास में तो उसका हिस्टोरिकल एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि वहाँ किस तरह का फ्लड आता है और वहाँ पे रिवर्स जो है वो किस तरह का अपना नेचर दिखाती है जब भी फ्लड आता है, तो वो एक अच्छा यहाँ पे मतलब रिजल्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बेसिक मैप होना चाहिए जो कि बहुत सारे मैप्स को यहाँ पे कंबाइन करके बनाया जाए, ठीक है, ताकि एक फ्लड के लिए स्पेशली हम एक मैप बना सके ताकि फ्लड का जो वाटर वो कहाँ कहाँ जाएगा वो हम लोग को पता रहे। इसके अलावा बोला जा रहा है कि वार्निंग जो है वो यहाँ पे लाया जा सकता है मार्केट में, अगर वार्निंग जो है वो पहले आ जाए तो काफ़ी हद तक हम लोग जो थ्रेट है उसको कम कर सकेंगे। इसके अलावा फ्लड हजार्ड मैपिंग भी यहाँ पे होना चाहिए, तो ये सब कुछ उपाय है। इसके अलावा गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स है इसमें वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो इनैक्ट किया गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का और NDRF जो है उसका, तो ये काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे स्टेप है। इसके अलावा एक नेशनल फ्लड कमीशन एंड कमीशन बनाई गई है। इसके अलावा टास्क फोर्स ऑन फ्लड मैनेजमेंट जो है, इरोजन कंट्रोल टू स्टडी इंडिया क्या क्या, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ये कुछ पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट बना के रखी है, तो इसके तहत जो वो काम होते हैं, अब होते कि नहीं होते तो वो तो ग्राउंड लेवल में ही पता चल रहा है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो आई हैं। इसके अलावा सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, ये तो पता है कि हाँ इसका काम काफ़ी हम लोग को दिखाई देता है आर्टिकल में हम लोग देखते हैं, तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो एपेक्स बॉडी है हमारा फ्लड और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का, तो ये एक काफ़ी अच्छा मतलब एक बॉडी बनाया हुआ है। इसके अलावा एक नेशनल वाटर पॉलिसी है 1987 में आया, फिर उसको 2002 में अमेंड किया गया, फिर 2012 में अमेंड किया गया, तो ये एक नेशनल वाटर पॉलिसी है। अब यहाँ पे बोला गया कि सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, 2015 से 2030, इसको हम लोग सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी मतलब हम लोग यहाँ पे डिजास्टर का जो खराब सिचुएशन है उसको हम लोग रोक सकते हैं, जो डिजास्टर यहाँ पे हो रहा है उसको हम लोग काफ़ी बचा सकते हैं। तो ये एक चीज़ था, आप लोग ध्यान में रखिएगा, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो फ्रेमवर्क है सिर्फ फ्लड के लिए नहीं है, काफ़ी सारे डिजास्टर को यहाँ पे इंक्लूड करता है। अब जानेंगे इंडिया और यूके कल्चरल डिप्लोमेसी के बारे में। तो हुआ ये है कि एक मतलब हम लोग का बुद्धा का स्टेचू था, बहुत पुराना ब्रोंज का था, ऑफकोर्स 12th century का एक स्टेचू था बहुत पुराना, और उसको चोरी कर लिया गया था, इट वॉज स्टोनेल नालंदा जो म्यूज़ियम हमारा उसे ये चोरी हो गया था और वापस इसको कर दिया गया ब्रिटेन के थ्रू, तो मतलब ब्रिटेन जो है ऑफकोर्स ये ब्रिटेन में था तो ब्रिटेन ने इसको वापस कर दिया गया। और ये एक तरह का दिखाते कि हम लोग कल्चरल जो है वो डिप्लोमेट है, मतलब हम लोग आपस में रिलेशन जो है वो सही करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं आप लोग हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जैसे डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी, फेडरलिज्म, तो ये सब वर्ड जो है वो सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, अगर चाहें तो आप लोग एक जगह इसको नोट कर सकते हो। ये सब एक नॉर्मल आप लोग देखेंगे ये पैटर्न में डिस्कशंस में या फिर आंसर राइटिंग में इन सब वर्ड का यूज़ होता है, तो ये सब आप लोग कहीं नोट करके रख सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब इसके अलावा साइबर अटैक के बारे में बात करेंगे तो एक पुणे बेस्ड कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें ये काफ़ी खतरनाक साइबर अटैक देखने को मिला है और 90 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है इस बैंक में। तो कॉस्मोस क्या है, कॉस्मोस एक कोऑपरेटिव बैंक है जो कि यूएस बेस्ड एक बैंक है, तो इसका ब्रांच जो है पुणे में, वहाँ पे एक साइबर अटैक देखने को मिला और यहाँ पे 90 करोड़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिला। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि काफ़ी मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, उसका वजह से मतलब ये हुआ है। इसके अलावा देखेंगे साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहना हो गया, क्योंकि अब देखिए भारत में ये हो रहा है कि हम लोग एक कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अभी बहुत सारे ऐसे जो ट्रांजेक्शन हैं वो कैशलेस ही किए जाते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि साइबर सिक्योरिटी अगर हम लोग यहाँ पे सही से प्रोवाइड नहीं कर पाएँ तो ये काफ़ी दिक्कत का बात हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैलेंज बन जाता है, जब कब, क्योंकि अब एक प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तो उसके बाद प्राइवेसी जो है उसको फंडामेंटल लॉ बना दिया गया, तो उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब डूयूनो में देखेंगे तो एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस साइबर स्पेस जो है उसको कंडक्ट किया गया था पहली बार, और यहाँ पे ये बोला गया था मतलब इसका जो थीम था वो था साइबर फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर फॉर ऑल इसका जो फुल नेम था वो था अ सिक्योर एंड इंक्लूसिव साइबर स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आईटी एक्ट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, अभी हम लोग का भारत का जो आईटी एक्ट है वो साइबर सिक्योरिटी को डील करने के लिए सफिशिएंट है नहीं। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी डिजिटल पेमेंट बिल को स्ट्रेंथन करने का जो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है वो लाने में भी सक्षम नहीं हुई, तो अभी गवर्नमेंट लाई नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। इसका एक माइंड मैप है साइबर सिक्योरिटी का, ये जो लिंक दिया वहाँ पे आप जा सकते हो। माइंड मैप क्या होता है, देखिए एक ही पिक रहेगा, उसमें ये जो चीज़ अपना दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से मतलब एक चार्ट बना करके दिया रहेगा, वो एक इजी वे रहता है याद करने का, लेकिन दिया यही सब चीज़ रहता है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आपको वहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे पिंक बैलवर्म और फॉल आर्मी वॉर्न के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जो दो वर्ड है अगर आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ये दोनों जो वर्ड है ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म का नाम है, या जो फॉल आर्मी वॉर्न जो है वॉर्न ये क्या है कि एक तरह का पेस्टिसाइड है, ठीक है, ऑफकोर्स एक पेस्ट है जो कि कॉर्न में लगता है, ठीक है, मेज जिसको बोलते हैं हम लोग घर में, जो कॉर्न होता है हम लोग का, तो उसमें ये लगता है, ये एक तरह का पेस्ट है। और इसके बाद हम लोग फॉल आर्मी वॉर्न और हम लोग पिंक बॉलवर्म के बारे में जानेंगे। तो ICAR जो है उसने बोला है कि काफ़ी यहाँ पे फॉल आर्मी वॉर्म जो है तो उसका डिस्कवरी देखने को मिला है कर्नाटका में, ये काफ़ी ज़्यादा है। और जो फॉल आर्मी वॉर्म जो है वो मेजर मेज पेस्ट है, कि मेज में इसका जो आराम से इसका ये लग जाता है, पेस्ट लग जाता है ये। और ये बोला जा रहा है कि ये 100 डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर रह सकती है, इसके अलावा वेजिटेबल्स, राइस और शुगर केन जो है वो भी इफेक्ट कर सकती है, तो काफ़ी ख़तरनाक एक तरह का पेस्ट है ये। अब न्यूज़ में ये चल रहा है कि पिंक बॉलवर्म जो है वो इंसेक्ट है, एक कॉटन फार्मिंग जो होता है तो कॉटन के लिए जो इंसेक्ट है ये, तो ये पिंक बॉलवर्म है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जानेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि लास्ट डे हम लोग मतलब कल का आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं आयुष्मान भारत क्या है, तो उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे एलैबोरेट करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो जन आरोग्य अभियान है इसी को हम लोग आयुष्मान भारत बोलते हैं, जो कि आयुष्मान भारत और द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन ABNHPM, तो इसको ये बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसको लॉन्च किया जाएगा 25 सितंबर को, ठीक है, जहाँ की पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मतलब बर्थडे है। और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से मतलब एक पिक दिया हुआ है, ये भी द हिंदू का एक आर्टिकल का पिक है, तो ये आप लोग चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, ये पूरा एक मतलब डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े जाते हैं यहाँ पे, काफ़ी नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा अगर उसको मैं डिस्कस करने लग जाऊँ। तो यहाँ पे ये दिया कि गगनयान, ये जो आज का एक और ये नया टॉपिक है, ठीक है, पिछला टॉपिक में लोग नया आ गए, तो गगनयान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये बोला है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, तो ये भारत का सबसे पहला प्रोग्राम होने वाला है जहाँ की ह्यूमन जो है वो पूरा अर्थ को सर्कल करेंगे। यहाँ पे 2022 तक इसको सेट किया गया कि 2022 तक हम लोग ये चीज़ करेंगे। इसरो ने ये बोला जा रहा है कि ये मिशन अचीवेबल है, मतलब ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग इस मिशन पर जल्दी ही काम करेंगे। इसका जो वर्थ पड़ा है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ का इसका वर्थ पड़ा है। अब यहाँ पे थोड़ा DUNO में जाने क्या क्या दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है कि अगर हम लोग ये मिशन अचीव करते हैं तो इंडिया चौथा ऐसा नेशन बन जाएगा आफ्टर सोवियट्स, मतलब ऑफ कोर्स USSR, अमेरिका और चाइनीज़ के बाद, जो कि मतलब ऐसा एक चीज़ करेगा कि एक मतलब मैंड एक एयरक्राफ्ट रहेगा, एक सैटेलाइट रहेगा जो कि अर्थ का सर्कल करेगा, तो वहाँ पे इंसान अंदर रहेगा। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 1984 का समय था जबकि मतलब पहला ऐसा जो सोवियत मिशन हुआ था, जब सोवियत ये मिशन की थी तो उसमें एक इंसान थे जो कि भारत के थे, ठीक, उनका नाम था राकेश शर्मा, और ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विंग कमांडर थे उस समय के, तो इन्होंने भी साथ में उस समय ऑर्बिट किया था, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो जो है
वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर डायरेक्टली आता है, तो ये आप लोगों को थोड़ा दिमाग में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक फोटो है, यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे, तो ये थोड़ा फोटो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये फोटो के ऊपर सब कुछ दिया हुआ, वैसे प्रीवियस आर्टिकल्स में हर कुछ डिस्कस्ड है, यहाँ पे कितना केजी होगा उस एयरक्राफ्ट का, इसके अलावा इसको कौन कैरी करने वाला, जैसे GSLV MK3 जो है इसको कैरी करेगा, इसके इंजन के बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस किए थे, तो वो सब चीज़ जो है वो आप लोग को पिछले आर्टिकल्स में मिल ही जाएगा। अब मेन फोकस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखेंगे अमेंडमेंट टू दिल्ली स्पेशल फोर्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तब यहाँ पे देखेंगे ये क्या एक्ट है, यहाँ पे दिल्ली का स्पेशल फोर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट में क्या किया है, एक अमेंडमेंट पास किया है लॉज ऑन करप्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इसका दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा, मतलब कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन अगर चालू करना है आपको किसी भी ऐसे मतलब करप्ट पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, जो कि पब्लिक का काम करते हो सर्वेंट के ऊपर, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे एक प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा, कोई भी अगर प्रोसिक्यूशन करने वाले हो, मतलब उसको अगर आप जज के पास लेके जाने वाले हो, उसके ऊपर कोई भी सुनवाई होने वाली है, तो उसके लिए फिर से आपको एक सैंक्शन करवाना पड़ेगा। तो वो जो दो नए यहाँ पे एक्सपेक्ट उठ के आई हैं, अब यहाँ पे अप्रूवल का नीड है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन 6A जो है दिल्ली स्पेशल फोर्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, तो उसको अमेंड किया गया, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा किस एक्ट को अमेंड किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे पहले ऐसा था कि जॉइंट सेक्रेटरी के पद का या फिर इसके ऊपर कोई इंसान था, तो पहले एक बार ऐसा था कि हाँ इस तरह का रूल था पहले कि वो लोग के लिए अप्रूवल चाहिए होता था, लेकिन अब क्या किया है कि इस कैटेगरी को हटा दिए और हर किसी के ऊपर ये चीज़ अप्लाइड है। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, कि यहाँ पे बोला है कि अगर कोई इंसान रेड हैंडेड पकड़ा जाता है ब्राइब लेते हुए, तो उसके ऊपर ये प्रायर एक जो भी आपको सैंक्शन लेना है तो वो नहीं लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डायरेक्टली आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये बोला गया कि अभी तक सेक्शन 19 जो हमारा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998 का, तो ये बोलता था कि हाँ हम लोग को पब्लिक जो भी सर्वेंट्स है उसको प्रोसिक्यूट से पहले यहाँ पे एक अथॉरिटी यहाँ पे होनी चाहिए उसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे ये बोला है कि अब क्या किया गया कि जो रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट होंगे उसके ऊपर भी ये सेफगार्ड जो है उसको मतलब बिछा दिया है कि हाँ हर कोई जो है ये जो करप्शन है उससे बचा रह सकता है अगर एक तरह से देखा जाए तो। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कि CBI जो है उसके ऊपर काफ़ी यहाँ पे एक लेयर बना दिया है कि CBI जो वो काफ़ी करप्शन जो कर रहे हैं लोग वहाँ तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। अब यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे क्यों हुई है यहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहला ये जो चीज़ है, ये जो एक्ट है वो कब आया था, तो जब राजीव गांधी का गवर्नमेंट था उस समय इस एक्ट को लाया गया था, और ये उस समय बस सीनियर ऑफिसर्स के लिए था, लेकिन अभी हर किसी के लिए कर दिया गया। ये बहुत बड़ा बैटल यहाँ पे चला, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे बैटल चला, और लास्टली जो कोर्ट है वो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो बात था कि हाँ हम लोग को इस तरह का एक क्लियर रखना चाहिए, मतलब आपको एक सैंक्शन या फिर एक पहले से ही एक तरह का नोटिस जारी करना पड़ेगा, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हटा दिया गया। किस केस में, तो विनीत नारायण केस जो था उसमें इस चीज़ को हटाया गया, लेकिन जब इस डायरेक्टिव को लाया गया इसके बाद ही क्या हुआ कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया 2003 में, और उसमें क्या किया गया कि वापस से इस तरह की जो चीज़ है इसको वापस से लेके आ गया गवर्नमेंट के थ्रू, और वो फिर घुमा फिरा के लाया गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये हुआ कि बहुत सारे ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे चालू हुए, और 2014 में फिर से क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह का जो प्रोविज़न उसको वापस से साइड कर दिया, फिर से क्या हुआ कि गवर्नमेंट इस चीज़ को वापस से लेके आ गई है। तो ये काफ़ी मतलब एक ही चीज़ को रिपीट करने वाला बात हो गया। अब यहाँ पे आप बात करेंगे क्या क्या प्रोविजन्स है इस लॉ में, तो यहाँ पे देखेंगे कि अंडर द लॉ ऑफ लैंड, यहाँ पे लॉ ऑफ लैंड का अगर आप टर्म समझिए, तो ये जो लॉ ऑफ लैंड होता है जो भी लॉज अभी भारत में मतलब इन्फोर्स्ड हैं जो काम हो रही हैं उसको लॉ ऑफ लैंड किया कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पुलिस के ऊपर ऐसा कोई भी जो पावर है वो काम नहीं करना चाहिए, पुलिस और CBI जो है वो किसी भी तरह से बाउंडेड नहीं है किसी को मतलब यहाँ पे जवाबदेही का, ठीक है। और यहाँ पे बस उनके ऊपर एक ही चीज़ है, वो है लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, और वो बस लॉ के सर्वेंट है और किसी के सर्वेंट नहीं है। यहाँ पे ये जो चीज़ है वो ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए ये लोग को, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि एक केस से रिलेटेड हो वो तब तक पावर में नहीं आ सकता या तब तक उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं सुना सकता अनटिल अनलेस CBI उसके ऊपर काम कर रही हो। अगर CBI उस पर काम कर ले उसके बाद CBI का रिपोर्ट तैयार हो जाए उसके बाद ही कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो प्ले में आती है वो काम करती हैं, तो CBI के पहले यहाँ पे कोई नहीं आता है। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी सिंगल डायरेक्टिव का अगर सिंगल डायरेक्टिव है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। सिंगल डायरेक्टिव क्या होता है, जब पूरा गवर्नमेंट के लिए एक तरह का लॉ होता है ना तो सिंगल डायरेक्टिव कहते हैं, तो उसको हटा सकते हैं अगर वो लॉ जो है वो इरेशनल लगे हम लोग को, तो ठीक है यहाँ पे वो चीज़ कहा गया। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोलता है कि मिनिस्टर का पावर सब्जेक्टेड है, ठीक है, मिनिस्टर का जो पावर है वो काफ़ी है और वो सब्जेक्टेड होना चाहिए। किस कंडीशन में, अगर मिनिस्टर्स जो अपना पावर है वो किसी चीज़ किसी एक इंसान को प्रोसिक्यूशन के लिए या फिर किसी एक क्लास का प्रोसिक्यूशन को
रोक रहे हो तो फिर उस पावर के ऊपर हम लोग उंगली उठा सकते हैं, ऑफ कोर्स आगे उठाया जाएगा। और ये भी कहा गया कि अभी जो आया है, मतलब ये जो हमारा जो नया जो अमेंडमेंट आया है, तो इसको हम लोग आराम से अगर चाहें तो इसको हटाया जा सकता है। कैसे? एक मतलब एपेक्स कोर्ट जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ अगर इसको कोई भी लड़ता है तो ऑफ कोर्स ये जो अमेंडमेंट, इसको हटाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी दो बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के अमेंडमेंट थे और इसको हटा दिया गया था। तो ये काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक लड़ाई होने वाला है यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे ये कि द CBI प्लेज अ पिवोटल रोल इन द क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी, बट इट इज़ बीइंग हैंडीकैप्ड बाय द रीसेंट अमेंडमेंट्स कमेंट वाज सजेस्टिंग रिफॉर्म्स टू द CBI। तो इसका आपको आंसर देना है। इसके बाद अगर जाने तो नेशनल के ऊपर है बैन ऑन ऑक्सीटोसिन के ऊपर, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन आपने सुना होगा, ये जो केमिकल है, ये एक नेम है। और आप लोग अगर TV देखते होंगे बेसिकली, तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें एक ऐसा मतलब मेडिसिन है उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन का मतलब जो नाम है वो आता है। तो अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग TV देखते हो, तो नेक्स्ट बार अगर आप लोग को एडवर्टीजमेंट दिखाई दे तो आप लोग को ऑफकोर्स दिमाग में क्लिक ज़रूर करेगा कि हाँ ये जो वर्ड है ये पहले सुना हुआ है, ठीक है। तो ये अनरीजनेबल है, ये बैन नहीं होना चाहिए, उसकी यहाँ पे बात की गई है। जो ऑक्सीटोसिन है तो यहाँ पे ये बात की गई कि क्रिटिकल ड्रग है, ठीक है। इसको जो मैटरनल हेल्थ है, ठीक है, ऑफकोर्स ये माँ का जो हेल्थ होता है उसको ठीक करने के लिए बनाया जाता है। और ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जो है वही बनाती है, पब्लिक सेक्टर इसका हाथ में बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि हम लोग बैन कर दिए, जो गवर्नमेंट है उसको बैन, मतलब इस जो पूरा प्रोडक्शन है उसको बैन कर दिया गया है। और ये कौन प्रोड्यूस कर सकता है, अगर मैं आपको पहले बता दूँ, तो पहले मैं आपको पूरा आर्टिकल का एक यहाँ पे पूरा डिटेल दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी आर्टिकल में बात कही गई है, लेकिन तो हम लोग को ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे बस आप लोग इसको एक बार ये कर लीजिएगा, इसका जो नोट्स है वो बना लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा यहाँ पे क्या दिया गया। यहाँ पे ये दिया हुआ कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो कोशिश कर रही कि हम लोग किसी तरह से यहाँ पे जो इसका जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर में कर दे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में वो रहेगा तो वो काफ़ी चैनलेबल होगा, उसमें काफ़ी हम लोग लॉज लगा सकेंगे और काफ़ी उसका जो ट्रैकिंग है वो पॉसिबल होगा। प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं रहेगा। और ये जो है, इस ड्रग का दिक्कत ये है कि ये बोला जा रहा है अगर इसको हम लोग ख़राब तरीके से यूज़ करें तो इसको जो गाय होता है, गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसको स्टिम्युलेट करने का रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। कि अगर इसको हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे, ऐसा सिचुएशन आ सकता है इसको हम लोग काफ़ी यूज़ करें तो जो नॉर्मल जो जिस तरह से गाय दूध देती है वो गाय दूध देना बंद कर सकती है, तो ये एक उसका रिजल्ट हो सकता है जो कि काफ़ी ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब बैन और क्रिटिसिज्म के बारे में जानेंगे तो ये जो एलिगेशंस है, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, तो उन्होंने, मेनका गांधी जो अभी करंटली हैं, तो उन्होंने काफ़ी समय तक ये एलिगेशन जो वो बोली हैं कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। ओवर अ डिकेड इसके ऊपर बात की गई है। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मेडिकल और वेटनरी सर्विसेज जो कि DTAB जो हमारा, उसको एडवाइस की तरीके, DTAB क्या होता है, तो ड्रग टेस्टिंग एडवाइजरी बोर्ड जो होता है उसको DTAB कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको ये एडवाइस की थी कि ऑक्सीटोसिन जो है वो काफ़ी ख़राब हो सकता है बोथ ह्यूमन और एनिमल के हेल्प पे अगर इसको गलत तरीके से यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे दो स्टडी की गई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। और ये बोला गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन हाँ इसको गलत तरीके से यूज़ करने में काफ़ी मतलब दिक्कत हो सकता है, लेकिन हाँ इसको यूज़ेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको हम लोग को बैन कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ फिर कि इसको बैन कर दिया गया और इसको बस एक कंपनी अभी प्रोड्यूस करी जो कि KAPL है, KAPL का फुल फॉर्म है कर्नाटका एंटीबायोटिक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, तो बस यही इसको प्रोड्यूस करी है, बाकी कोई और प्रोड्यूस नहीं कर रही है। दिक्कत ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश का जो हमारा कोर्ट है उसने बोला, मतलब उसमें एक PIL उसमें आया और उसमें ये हुआ कि हम लोग को इसके ऊपर बात करना चाहिए, जो ऑक्सीटोसिन है उसका जो मिसयूज है उसके ऊपर बात करना चाहिए। यहाँ पे 2 साल तक ये जो केस है ये चला और उसके बाद ये हुआ कि जो जजमेंट है वो इस तरह से आया कि 2016 में जजमेंट आया, उसमें बोला गया कि हाँ ये जो केमिकल है वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे होता ही है कि एक जो ह्यूमन का जो काफ़ी जो फिजिकल है, जैसे यहाँ पे जो वुमन का जो ब्रेस्ट होता है या फिर यूट्राइन जो कैंसर होता है उसमें काफ़ी इफेक्ट करता है, मेल का जो इंपोर्टेंस होता है उसमें काफ़ी इफेक्ट करता है, इसके अलावा जो वुमेन होती है उनका जो बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है उसमें ये काफ़ी मतलब ये चीज़ कर सकते हैं कि हाँ वुमेन का जो बॉडी है उसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो। इसके अलावा जो इंसान होता है, जो मर्द होता है, उसका अगर बाल टकला हो जाए तो उसका भी रीज़न इसी को दे दिया जाएगा। लेकिन कभी बोला नहीं गया कि हाँ ये जो जजमेंट आया है इसमें क्या साइंटिफिक प्रूफ लगाया गया, इसका कोई मतलब यहाँ पर दिया नहीं गया। अब ऐसा हुआ कि हाँ ये जो हाईकोर्ट है वो बोला गया कि आप लोग ऐसा एक बार मतलब ये बाकी जो इंसान है उनको ये बोला गया, या फिर हमारा जो यहाँ पे इस तरह से ये बोला जाए कि जो मार्केट है उसको ये बोला गया कि हाँ आप लोग एक बार कोशिश कीजिए कि जो प्रोडक्शन है उसका, उसको हम लोग
जो प्राइवेट सेक्टर है, सॉरी पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे ला सकते कि नहीं ला सकते, प्राइवेट सेक्टर से इसका प्रोडक्शन को हटा सकते कि नहीं हटा सकते। फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर बात होने के बाद क्या हुआ, हमारा जो एपेक्स कोर्ट है वहाँ पे ये हो गया कि इस तरह का जो ड्रग है वो उसका जो हाई मतलब जो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट था उसका जजमेंट के ऊपर एक जजमेंट सुना दिया कि हाँ हम लोग इसको बैन कर देंगे और इसको बस हम लोग क्या करेंगे कि पब्लिक सेक्टर में ले आएंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट था हिमाचल प्रदेश का उसका ये कहना था कि हम लोग इसको बैन नहीं करेंगे, उसने बस बात की थी कि हाँ आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर देखा जाए तो, कि हाँ आप लोग कोशिश किए कि हम लोग इसको प्राइवेट सेक्टर में सॉरी पब्लिक सेक्टर में ला सकते कि नहीं ला सकते, लेकिन इसको एनफोर्स करने का कोई काम उसको उसने उस समय नहीं कहा गया था। तो चलिए इसमें इतना हम लोग जान लिए। सॉरी यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात की थी कि हम लोग इसको बैन कर देंगे, ठीक है। तो इसका लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि द केस फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सीटोसिन इज नाइदर रिगरस नॉट रीजंट कमेंट, जो उसका आपको आंसर देना है। इसी के साथ आज की जो वीडियो वो चीज़ का खतरा, आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते। डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, नाइस डे।